हेलो स्टूडेंट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेट्स पढ़ना। ठीक है, आज हमारी पहली वीडियो, ठीक, और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट्स। सो गेट रेडी टू स्टार्ट। ओके, तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो सेट की डेफिनेशन होती है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट, है ना। फिर से देखेंगे, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट्स, मतलब ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा है द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो दिस जो स्टेटमेंट लिखा है वो डिफाइन है, ठीक है, वो डिफाइन है, क्योंकि हमें पता है कि जो वॉवल्स होते हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट वो क्या होते हैं, A E I O U। तो इनका एक सेट बन सकता है। सेट्स की डेफिनेशन यही कहती है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। ओके, तो क्या लिखा है, A E I O U। ओके, तो ये एक जो स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड है और इसका सेट बन सकता है, इसलिए ये एक सेट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया। ठीक, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया ये डिफाइन है, क्योंकि जितने भी स्टेट है इंडिया में कितने हैं, ठीक है, वो डिफाइन है। तो ये एक यूनियन सेट है, बट ये एक सेट है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये एक सेट है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, लिखा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड शो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, तो इसका भी एक सेट बन सकता है, नेचुरल नंबर्स का एक सेट बन सकता है। तो ये एक सेट है, 1, 2, 3, 4, 5 इन शोन इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसका एक सेट बन सकता है, ये स्टेटमेंट का सेट ये है। ठीक है, और सेट को लिखने का तरीका होता है कि सेट को ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट पहले लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो सेट के एलिमेंट्स होंगे उनको लिखेंगे। ठीक है, और जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में कॉमा लगाएंगे। ओके, तो लिखा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड शो ऑन, और इसका सेट इस तरीके से लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल ये है, ये कह रहा है द कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो यहाँ पे जो गुड वर्ड है, गुड प्लेयर्स, ठीक है, तो ये वेरी कर जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। कभी किसी के लिए कोई और गुड प्लेयर होगा, कभी किसी के लिए कोई और गुड प्लेयर होगा। तो जो स्टेटमेंट वेरी करे, ठीक है, तो वो सेट नहीं होता है, उसका सेट नहीं बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो गुड प्लेयर्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्टेटमेंट वेरी करेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि हम लोगों को जो डेफिनेशन थी वो क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट, और ये जो स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो गुड प्लेयर्स है वो हर जगह अलग 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 पीपल द्वारा ये वेरी करेगा, ये स्टेटमेंट वेरी करेगा, इसलिए ये एक सेट नहीं है। ओके, इसका सेट नहीं बन सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर इन इंडिया, सॉरी इन द क्लास। ओके, लिखा है द कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर इन द क्लास। तो ये जो बेस्ट टीचर्स है, बेस्ट टीचर, ये भी वेरी करेगा, क्योंकि किसी बच्चे के लिए कोई और बेस्ट टीचर होगा, किसी बच्चे के लिए कोई और बेस्ट टीचर होगा, है ना। तो ऐसे जो स्टेटमेंट है जिनमें ये जो वेरी वर्ड आ जाते हैं, जिनमें जो वर्ड्स वेरी करने लगते हैं, उनमें उनमें क्या होगा, सेट नहीं बनेगा, अलग अलग पीपल द्वारा ये वेरी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप सेट्स की एक्सरसाइज को कर सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है कि अब देखिए जो आपको सेट एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी, ठीक है,
उसमें ये एन होगा, कैपिटल एन, इसको इसे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। जेड को फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जेड प्लस को अगर जेड लिखा हो और उसके ऊपर से प्लस का साइन हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। और क्यू का अगर साइन हो तो रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। क्यू प्लस का साइन हो तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के लिए, और आर का साइन हो तो रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। आर प्लस का साइन हो तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, ओके। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यह आपके एक्सरसाइज में होगा आगे, ठीक है।